हाँ भाई, तो कैसे हो? आज बात करेंगे लील गोलू के बारे में। व्हाट्स रॉन्ग विद लील गोलू, व्हाई पीपल हेट्स गोलू म्यूजिक एंड लिरिक्स इन हिज न्यू सॉन्ग, और रागा के क्या पंगे हैं लील गोलू के साथ, और योयो हनी सिंह के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, बिल्कुल केस स्टडी है, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वॉच टिल एंड। लील गोलू देसी हिप हॉप के मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट में से एक है, बिकॉज जोयो के टॉप सॉन्ग्स के पीछे गोलू की कलम का जादू होता है। गोलू ने लुंगी डांस और ब्लू आइज देसी कलाकार जैसे सॉन्ग्स एल्बम लिखे हैं जो स्टिल रेलेवेंट है। हनी सिंह से लेकर बॉलीवुड तक गोलू का जादू चला है। मनाली डांस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, और लोग भी योयो और गोलू की जोड़ी देखना चाहते हैं, ना कि योयो सिंगस्टा ना ही योयो होमी। और योयो को गोलू ने जो सॉन्ग्स दिए हैं वो बिल्कुल टॉप नॉच दिए हैं। हम ये तक कह सकते हैं कि गोलू ने जितने शानदार सॉन्ग खुद के करियर के लिए नहीं गाए, उससे बढ़िया सॉन्ग योयो को दे दिए, और ये फर्स्ट रीजन हो सकता है काइंड ऑफ गोलू का डाउनफॉल का। बट इनडायरेक्टली गोलू का कभी राइज ही नहीं हुआ जैसे इक्का रफ्तार बादशाह का हुआ। पर ये भी नहीं कि योयो ने गोलू को चांसेस नहीं दिए, लाइक मनाली ट्रेंस मूवी में जो सॉन्ग है वो योयो के कारण ही मिला होगा गोलू को। बात है 2010 से 13-14 की, जब योयो और गोलू की जोड़ी इंडस्ट्री टॉप कर रही थी, एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग दिए जा रहे थे। फिर एक ऐसी घटना, या फिर कह सकते हैं योयो हनी सिंह एकदम से गायब हो गए। रीजन था बाइपोलर डिसऑर्डर। रातों रात एक हिप हॉप का इतना बड़ा कलाकार गायब हो जाता है, सब शॉक थे। पर यहाँ सिर्फ एक कलाकार गायब नहीं हुआ था, योयो की बैकबोन लील गोलू भी गायब हो गए। योयो के जाने के बाद योयो के साथ गोलू की भी कोई अपडेट नहीं थी कि कहाँ है। फिर कुछ एक दो प्रोजेक्ट ड्रॉप किए अपनी प्रेजेंस के लिए, पर फिर भी लोग डुओ मिस कर रहे थे, और गोलू के गाने नहीं चले इतने ज्यादा। और जो सॉन्ग्स के नीचे कमेंट्स थे वहाँ लिखा था वेयर इज योयो, योयो के साथ गाने निकालो। और इसी के साथ गोलू फाइनेंशियली कंडीशन से भी जूझ रहे थे, और गोलू इंडस्ट्री के सबसे इनकंसिस्टेंट रैपर है। इतने टैलेंटेड होने के बावजूद क्या रीजंस हैं सॉन्ग ना ड्रॉप करने के, वो तो सिर्फ गोलू जानते हैं। अब इस पॉइंट से कुछ लोग शॉक होंगे और कुछ लोग एग्री भी करेंगे। लील गोलू एक बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं है, जो हम ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए ऐसे वैसे सॉन्ग्स बना रहे हैं। अभी लिरिकल शूट आउट आया है, इससे पहले सेक्सो आया था, वो भी 5 महीने पहले, जो कि ठीक ठाक टाइम है। पर इसके अलावा सॉन्ग सिलेक्शन भी बढ़िया नहीं है गोलू का, लाइक लिरिकल शूट आउट, 13-14, इलाका। अगर गोलू जैसे गाने योयो को देते हैं, अगर वैसे ड्रॉप करते हैं, तो गोलू का कोई तोड़ नहीं है। लाइक सेक्सो सॉन्ग एक बढ़िया कमर्शियल सॉन्ग था, इसी सॉन्ग जैसे एक एल्बम ड्रॉप कर दे, फुल ऑफ कमर्शियल टाइप एल्बम हो, तो इंडस्ट्री बिल्कुल हिल जाएगी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा गोलू का। लिरिकल शूट आउट आउट हुआ है गोलू का, उसके कमेंट्स में गोलू को काफी हेट मिल रही है बिकॉज ऑफ हिज बीट सिलेक्शन एंड हिज लिरिक्स। लोग बस ये कह रहे हैं कि क्यों गोलू 2011-12 के लिखे हुए गाने ड्रॉप कर रहा है, और वो चीज सच है ब्रो, इन माय ओपिनियन। और वो चीज लोग क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ गोलू रिस्पेक्ट। लोग ये समझते हैं कि गोलू ने कुछ लिखा गाया होगा तो बढ़िया होगा, पर वैसा उन्हें कुछ मिलता नहीं है। ऑल्सो आज के टाइम हमारा DHH IHH भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। MC Square जैसे आर्टिस्ट हिप हॉप के साथ रागिणी कंबाइन कर रहे हैं, MC Stan, कर्मा, लोका जैसे आर्टिस्ट न्यू स्कूल कर रहे हैं। गोलू को भी टाइम के साथ खुद को अपडेट करना होगा, नहीं तो गोलू का नाम है वाली लिस्ट से एक बढ़िया लिरिक्स राइटर था हो जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन। रागा और गोलू की बीफ स्टार्ट हुई है लिरिकल शूट आउट के बाद, और रागा ने ये ट्वीट किया लिरिकल शूट आउट को लेकर। नेक्स्ट अपडेट रागा एंड लिल गोलू की तरफ से। तो लिल गोलू का आज एक ट्रैक आउट हुआ है लिरिकल शूट आउट, आई होप आपने सुन लिया होगा। खैर इसके बाद रागा ने एक ट्वीट करा एंड कहा है, ये गाना नहीं है ये डैश है, सो दी फनीएस्ट म्यूजिक वीडियो आज, BKL मान जाओ, जमुना पार के नाम पे हगना बंद करो। नेक्स्ट, रागा इक्का और गोलू तीनों जमुना पार रैपर्स हैं। इसके अलावा लोगों की काइंड ऑफ कंफ्यूजन दूर करने के लिए भाई ने को ट्वीट किया और ट्वीट करा है एंड कहा है, डोंट मिसअंडरस्टैंड भाइयों, आई एम नॉट फ्रेंड विद दीस बिच एस आर्ट स्टीलिंग एनी मोर, बाकी मैं कीचड़ में कमल हूँ तो कीचड़ की वैल्यू है, सो आई प्रे फॉर देम। तो कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो रहे थे कि रागा एंड लिल गोलू तो दोस्त हैं, तो रागा ने क्लियर कर दिया है। ये दोनों ट्वीट अगेंस्ट थे गोलू के। ऑल्सो ये क्लिप मुझे इसलिए यूज करनी पड़ी क्योंकि अभी रागा ने दोनों ट्वीट डिलीट कर दिए, और ये बीफ हमें आगे बढ़ती दिख सकती है, और यहाँ तक ये डिस एक्सचेंज होते हुए भी दिख सकते हैं, बिकॉज गोलू और रागा दोनों ही बढ़िया राइटर्स हैं, और एक बढ़िया बीफ देखने को मिल सकती है। आई होप ये बीफ न हो, क्योंकि हेट फैलाने से कोई फायदा नहीं है, दोनों आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट डाउन होगी एक दूसरे के प्रति। ये है लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, जो है मेरा ओपिनियन। रागा वर्सेस गोलू में मेरा ये कहना है कि जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रागा सभी ओजीज के साथ पंगे ले रहा है। पहले #FreeUsFromBohemia, अब गोलू, नेक्स्ट कौन होगा वो देखना होगा। और गोलू भाई, फर्स्ट आप योयो के साथ काम वापस स्टार्ट करो, और आपको ये डर होगा कि अब तो योयो के साथ होमी है तो उससे कहाँ जरूरत है मेरी। बट नो डिसरिस्पेक्ट टू होमी, बट वी लव यू, योयो एक्स गोलू चाहिए हमें, ना कि योयो एक्स होमी और समथिंग एल्स। हनी पाजी कह चुके हैं कि रेडियो सिटी के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा प्यार आपसे है। बट आप किसी के साथ टच में हो? मैं सबके साथ टच में, रफ्तार के साथ भी मैं एक फ्लाइट में मिला था उसको, तो उसमें बहुत अच्छा मुझे मिलने आया था खुद ही।
तो इक्का के साथ और लिल गुलू के साथ मैं रेगुलर टच में हूँ। मेरा फेवरेट इन सब में से बहुत ज़्यादा दिल के करीब, बहुत ज़्यादा जिसको मैं दिल से प्यार करता हूँ, वो है लिल गुलू। बहुत ज़्यादा उसके जैसा इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में हो, मैं कह रहा हूँ कोई अगर हॉस्पिटल में मर रहा हो ना, लिल गुलू को उसके पास 15 मिनट छोड़ दो, वो जाग जाएगा। वो ऐसी पर्सनैलिटी है, वो इतना खुश करने वाला है, वो अपने एनवायरमेंट को और अपने आसपास को इतना खुश देखना चाहता है, वो इतनी खुशियां बांटने वाला लड़का है ना वो, उसके जैसा इंसान बहुत कम है, बहुत कम है, और इतना ही टैलेंटेड है वो। उन्होंने आपको लाइन दी थी ना, मैं ग्रैमी ले आऊंगा? नहीं, ये तो मैंने लिखा था। क्या मैंने लिखी थी? तो क्या ये ऑन है अभी प्लान हमारा? डेफिनेटली सोच हमारी है, देखो वही सपने बहुत बड़े हैं, क्या पता ग्रैमी के बाद और भी बहुत जितने अवार्ड्स हैं सब मिल जाए। तो प्लीज कम बैक, और आप लोग अपने थॉट्स जरूर कमेंट करिए अबाउट गोलू एंड दिस वीडियो। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। पीस आउट।